देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुराने रंजिश में दोस्त की हत्या, कीटनाशक पीकर की आत्महत्या, सर्पदंश से युवक की मृत्यु। आइए देखते हैं खबर यहाँ विस्तार से। तुमसर तहसील के वगेड़ा में मंगलवार की सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक दोस्त ने एक सप्ताह पहले हुए विवाद को निपटाने के लिए पार्टी में बुलाकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी एवं उसके शरीर को जला दिया। गोबरवाही पुलिस ने मामले में एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश कर रही है। मृतक अभिनय माने स्थानीय आम्बेडकर नगर का निवासी है। इधर अभिनय रात भर घर नहीं आया तो कैलाश एवं बंटी ने इसकी सूचना गोबरवाही एवं तुमसर पुलिस को दी गई थी। उन्होंने यह भी संदेह जताया कि अभिनय की हत्या हो सकती है। घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर लिया गया था। तलाशी के दौरान मंगलवार सुबह बगेड़ा स्थित नाले में अभिनय का जला हुआ शव मिला था। पुलिस को शक है कि आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए अभिनय की हत्या कर उसके शव को जला दिया होगा। दूसरी खबर, कीटनाशक दवा पीने से नागपुर में उपचार ले रहे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार लाखांदूर निवासी मधुकर महादेव ठाकरे ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। परिजनों ने उसे ग्रामीण अस्पताल लाखांदूर एवं आगे के उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नागपुर में भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, जहरीले सांप ने डसने से उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पौनी तहसील के भुयार निवासी प्रवीण महादेव मेशराम यह खेती देखने के लिए गया था। इस दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। उसका प्राथमिक अस्पताल भुयार में प्राथमिक उपचार किया गया, किंतु तबीयत अधिक खराब होने से उसे ग्रामीण अस्पताल पौनी ले जाया गया था। इस दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।